दोस्तों त्यागी जी टेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने फोटो पर कलर लाइन कैसे कर सकते हैं। जैसे आप थंबनेल में देख चुके हैं, बहुत सारे आपने थंबनेल होंगे जिनमें देखे होंगे आपने थंबनेल जिनमें फोटो पर जो साइड होती है ना फोटो की, उस पर एक कलर लाइन होती है और वो बहुत अच्छी लगती है, मतलब बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है उससे आपका थंबनेल। तो चलिए आपको सिखाते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा पिक्सल लैब ऐप में। तो पिक्सल लैब सभी के पास होता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये है पिक्सल लैब। तो हम चलते हैं पिक्सल लैब पर। पिक्सल लैब पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से इसको बैकग्राउंड को अपने ले लेना है। तो मैं यहाँ से अपना बैकग्राउंड ले लेता हूँ वाइट, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड मैंने ले लिया और ऊपर से आपको यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करके इसका साइज ले लेना है, इमेज साइज पे क्लिक करना है और यहाँ से एरो पे क्लिक करके आपको थंबनेल पे क्लिक कर देना है, यूट्यूब थंबनेल। तो यहाँ से यूट्यूब थंबनेल का साइज हो जाएगा और यहाँ से ओके पे आपको क्लिक कर देना है। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से जो बीच में आपके निशान दिखाई दे रहा है इसको क्लिक करना है और यहाँ से इमेज को आपको क्लिक करना है। दोस्तों इमेज को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से गैलरी में चले जाना है और गैलरी में जाने के बाद आपको उसी फोल्डर में चले जाना है जिस फोल्डर में आपका फोटो है। तो मेरा फोटो पड़ा हुआ है अभी पिक्स आर्ट में, तो यहाँ से मैं पिक्स आर्ट को अपने क्लिक कर देता हूँ और पिक्स आर्ट में मेरा फोटो, जिस फोटो पर भी मुझे लाइन लगानी है कलर, उसी को मैं क्लिक करता हूँ। तो इस फोटो पर मुझे कलर लाइन लगानी है तो मैं इस फोटो का क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको राइट पे क्लिक कर देता हूँ। राइट पे क्लिक करने के बाद ये फोटो मेरा आ जाएगा यहाँ पे थंबनेल में। इसको मैं यहाँ से बड़ा छोटा कर सकता हूँ, तो जैसे मैंने इसको इतना रख लिया, ठीक है, इतना मैंने इसको सेट कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ नीचे से आपको इसको राइट को स्क्रॉल करना है और राइट को स्क्रॉल करते हुए आपके सामने एक ऑप्शन आएगा स्ट्रोक का, स्ट्रोक को आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से इनेबल कर देना है इसको। तो यहाँ से मैंने इसको इनेबल कर दिया। अब जिस कलर की भी आप लाइन लगाना चाहते हैं, जैसे मैं लगाना चाहता हूँ ब्लू कलर की, तो यहाँ से मैं इसको राइट को स्क्रॉल करूँगा। राइट को स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे मैं ब्लू कलर को ढूंढूंगा। ब्लू कलर मुझे यहाँ से मिल चुका है तो यहाँ से मैं ब्लू कलर को क्लिक कर दूंगा। देखिए एक लाइन तो भी आपके फोटोज़ पर लग चुकी है, लेकिन अभी हम इस फोटो को और भी अच्छा बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपको इसको राइट पे क्लिक कर देना है। अब आपको और भी इसको राइट को स्क्रॉल करते हुए जाना है और यहां से आपके सामने एक ऑप्शन आएगा शेडो का, तो आपको यहां से शेडो पे क्लिक कर देना है और इसको भी आपको इनेबल कर देना है और इसमें भी आपको ब्लू कलर ही सेलेक्ट करना है। तो राइट को स्क्रॉल करते हुए यहां पे हम ढूंढना है हमें ब्लू कलर, तो यहां पे हमारा ब्लू कलर मिल चुका है। ब्लू कलर को आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों अभी इसमें आपको एक छोटा सा और काम करना है। फिर से राइट को आपको इसको स्क्रॉल करते जाना है। राइट को स्क्रॉल करने पे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा इनर शेडो का, यहाँ पे इनर शेडो को आपको क्लिक कर देना है और इसको इनेबल करके इसमें भी आपको ब्लू कलर सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ से मैंने इसको भी ब्लू कलर पे सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से आपको राइट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे फोटो के चारों ओर यहां से यहां तक ब्लू लाइन आ चुकी है और ये पहले की अपेक्षा कितना अच्छा लग रहा है हमारा फोटो। तो दोस्तों मैं आपको एक और बात यहां पे बताना चाहता हूं कि ये जो फोटो है ना, ये मेरा जो बैकग्राउंड है ना, उसको मैं डिलीट कर दिया है। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी बैकग्राउंड मेरे फोटो में नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया है। अगर आपको बैकग्राउंड डिलीट नहीं करना आता हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक दूसरी वीडियो का लिंक दे दूंगा अपनी, उस वीडियो को देख करके पहले आप अपने फोटो का बैकग्राउंड डिलीट कर लें, उसके बाद आप फोटो को सेव करके पिक्सआर्ट में और फिर यहाँ से इस पर ब्लू लाइन या जो भी आपको कलर पसंद हो उसी की लाइन आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से हमारा थंबनेल अट्रैक्टिव बन गया, बहुत अच्छा बन गया हमारा थंबनेल, और आप भी अपने थंबनेल को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।